यस फ्रेंड, तो ये जो इवन थी वो घट गई कब, सेम डिग्री पर चारों थे, ठीक है। केतु मार्स सैटर्न दोनों 24-24 डिग्री पर, देखिए राहु केतु, हालांकि मैं देखता हूँ दिल्ली का जो वो है, अलाहाबाद का जो वो है लॉन्गिट्यूड, उसके हिसाब से 24-24 डिग्री दोनों की राहु केतु, लेकिन दिल्ली में जब डिग्री देखी तो 23 डिग्री 41 मिनट आती है दोनों की, राहु केतु की 23 डिग्री 41 मिनट 24-25 सेकेंड, ये इसका टाइम पीरियड आता है, ठीक है। इसके हिसाब से चारों ही प्लैनेट एक जैसी डिग्री के आसपास है, सिमिलर डिग्री जब आ जाती है तो इवेंट घट जाती है, एक्सीडेंट और अर्थक्वेक जो भी था वो उस समय अकर हो जाता है। ये इवेंट अकर होने का प्रेडिक्शन करने का तरीका होता है कि कब ये घटना घटेगी, जब सबकी डिग्री एक जैसी आ जाएगी उस डिग्री में। ये घटना 14 जून छठवा मंथ 14 जून 2019 को ये घटना घटी, और ये जून 2019 में तब से फिर स्प्रेड होता रहा। पहले तो एक पेशेंट हुआ हुआ, दूसरा आसपास और भी लोग फैलती गई करके ये घटना घटती गई। कहते हैं लोग चाइना में हुआ, चाइना में हो सकता है, पॉसिबिलिटी चाइना की है, चाइना से स्प्रेड होकर के चाइना में, कुछ कहते हैं जर्मनी में, लेकिन चाइना का ज़्यादा पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, चाइना में ये घटना घटी, उसके बाद में फिर धीरे करके स्प्रेड हुआ इंडिया में दिसंबर और जनवरी फरवरी में स्टार्ट हुआ, मोस्टली मार्च में जाकर के लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से फिर स्टार्ट हुआ इंडिया में, इसलिए इंडिया में डेटा है। लेकिन इंडिया में उस समय आ भी नहीं सकता था, इंडिया में घटना नहीं घट सकती थी। रीज़न क्या है, क्योंकि जो दिल्ली का जो हमारी इंडिया का जो हॉरोस्कोप था आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें देखिए लगन में यहाँ तो राहु था, लेकिन इस समय प्रेजेंट में, उस समय जब 14 जून को घटना घटी तब वीनस लग्न में था, लग्न लॉर्ड वीनस अपना स्वामी लग्न का ही वह बैठा हुआ, सन बैठा हुआ साथ में फोर्थ लॉर्ड, वो भी हालांकि दोनों एनिमी होते हैं लेकिन इसमें पॉजिटिव क्योंकि फोर्थ का लॉर्ड है और केंद्र के दोनों लॉर्ड एक साथ बैठे हुए, ठीक है। और जुपिटर भी सामने से देख रहा है, सेवंथ हाउस में जुपिटर भी था, इसलिए इंडिया में ये घटना नहीं घटी, ये इवेंट नहीं घट सकती थी, क्योंकि हमारा इंडिया का जो हॉरोस्कोप है उस समय काफ़ी स्ट्रांग था, लग्न का लॉर्ड लग्न में बैठा हुआ था, अपनी अपनी चीज़ को नेटिविटी को प्रोटेक्ट करके रखा उसने, उसको फैमिली नहीं दिया इंडिया के अंदर, ये घटना यहाँ घटती है, ठीक है। इसका मतलब सैटर्न जो केतु थे, ये घटना जो घटी, चारों प्लैनेट की एक जैसी डिग्री आ गई, और ये खतरनाक जैसे मैंने बताया, ये पोजिशन बड़ी खतरनाक होती है, उस समय एपिडेमिक हो सकता है, कोई भी बीमारी फैलती है, मोस्ट जो डिजीज फैलती है वर्ल्ड में, ऐसी जब सिचुएशन आती है इन प्लैनेट्स की कंजेशन की, उस समय ये घटना घट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने बताया, अच्छा जैसे बताया कि ये दोनों, ये मार्स राहु और मरकरी तीनों ही पुण्यपति नक्षत्र में थे, और मंगल और राहु दोनों एक जैसे क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में थे, मरकरी हालांकि 3 डिग्री पीछे है, इसलिए वो फर्स्ट क्वार्टर में था, फर्स्ट पद में था, फर्स्ट पाद बोलते हैं, फर्स्ट पाद में था, दूसरे पाद में, ये दोनों दूसरे पाद में थे, राहु और मंगल है ना, राहु और मंगल दोनों एक पाद में, सेकंड पाद में थे, इसलिए दोनों एनिमी एक साथ बैठे हुए खतरनाक, एंड दूसरी सैटर्न और केतु दोनों ही एक जैसे पाद में, किस पाद में थे, फोर्थ पाद में थे, ये फोर्थ पाद और फोर्थ क्वार्टर, कौन सा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, इस पूर्वाषाढ़ का नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो वीनस है, शुक्र, और यहाँ जुपिटर, तो शुक्र और जुपिटर भी आपस में खतरनाक दोनों है ना, दोनों ही एनिमी होते, तो एनिमी का प्लैनेट भी के रास के नक्षत्रों में बैठे हैं दोनों ही, बड़ा खतरनाक वो है कॉम्बिनेशन, इसलिए ये घटना घटी, एपिडेमिक स्प्रेड होने का ये रीजन था, ठीक है। जब कभी ये घटना घटती है, चार दोनों पेयर मंगल राहु और शनि और केतु आपस में आमने सामने होते हैं, जब कभी ये घटना घट जाती है, राशियों का कौन सा हिसाब है, किस घटना घट रही है, कहाँ पर घट रही है, वो उसके हॉरोस्कोप, कंट्री के हॉरोस्कोप पर डिपेंड करता है। ऐसे जो डेथ हुई लोगों की, जिनको बीमारी हुई, बीमारी के हिसाब से, उनकी नेटिविटी के हिसाब से उनको बीमारी हो सकती है, अदरवाइज काफ़ी लोगों की स्ट्रांग होती नहीं होती उनको बीमारी, कितना भी आप उनको कुछ कर लिखे, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, इम्यूनिटी हॉरोस्कोप की वजह से उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लेकिन जिनकी वीकनेस होती है इस हॉरोस्कोप से मैच करते थे, जिनकी बीमारी फैली इससे मैच करते हैं, तो वहाँ बीमारियाँ फैल जाती हैं, इस तरह से भी हम उसका डिस्कस करते हैं। नाकुंड पॉइंट, तो उसके बाद पूर्व नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ में नक्षत्र का दोनों, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र था, शनि और केतु दोनों एक एक नक्षत्र में सेम पद में, चौथे पद में है, ये भी आपस में एनिमी काफ़ी वो है कॉम्बिनेशन, तो खतरनाक कॉम्बिनेशन था। डिग्री हमने यहाँ लिख दी है, देख सकते हैं राहु एग्जॉल्टेड कहाँ होता है, जेमिनी, जैसे मैं था जेमिनी। अब ये जो घटना है ये 14 जून को हुई, उसके बाद बढ़ती जा रही है। अच्छा अब इस समय जो प्रेजेंट में पोजीशन है वो मैं वहाँ बताऊँगा। अब आते हैं दिल्ली की जो हमारी इंडिया की इंडिपेंडेंस की वो है, जैसे मैंने बताया कि इस रात इस मुहूर्त को निकालने वाले हॉरोस्कोप को बनाने वाले इंडिया के पंडित जी कौन थे,
ये हरदेव श्री हरदेव शास्त्री शर्मा त्रिवेदी इनका नाम था, और उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहले प्रीस्ट या पुजारी थे और साथ में एस्ट्रोलॉजी का काम करते थे, बड़े फेमस थे। उनका नाम जब फेमस हुआ इंडिया में उस समय काफ़ी फेमस था, लोगों ने उनको बुलवाया, पंडित जी को बताया। जवाहरलाल नेहरू वाला भी बिलीव नहीं करते थे, बाकी सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सभी बिलीव करते थे। उन्होंने उनको बुलाया कि भाई हमारा तो जो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तो हमें तो पूजा पाठ कराना चाहिए, उसके लिए मुहूर्त चाहिए, मुहूर्त बनाइए, देश का अपना हर्ष को बनाना चाहिए। जिससे कि उस समय पीरियड देखिए, अब देखिए पाकिस्तान 14 अगस्त को बन जाता है, इंडिया रात को बनता है, रात को ये नेतृत्व निकाला गया। लोग इसमें बिलीव नहीं करते लेकिन मानते हैं सभी भाई ये एकदम सही है। उसके बाद उन्होंने काफ़ी जो इवेंट बताई, प्रोडक्शन किए पंडित जी ने, बहुत 100% ट्रू गए। डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी बता दिया, और यूपी में एक बार जो हुई थी गवर्नमेंट गिर गई थी चीफ मिनिस्टर की, वो भी उन्होंने इवेंट बता दी थी, ठीक है, जब वहाँ पे 92 में जो वो हुआ था अयोध्या में जो हुआ था टेंपल का वो डेस्ट्रक्शन हुआ था, तो उस केस में जो इवेंट घटी थी, काफ़ी कार सेवकों को मारा गया था, वो सब उन्होंने पहले बता रखा था। काफ़ी और भी इवेंट उन्होंने बताई थी, इसलिए काफ़ी फेमस थे, ठीक है ना। और बाद में वो जो सैलून है वहाँ पर बताते हैं हिमाचल प्रदेश में, वहाँ शिफ्ट कर गए थे, क्योंकि उनके वहाँ उस समय राजा लोग होते थे इंडिपेंडेंस से पहले, और जो हिमाचल के राजा थे उन्होंने उनको वहाँ पे काफ़ी अच्छा पैलेस टाइप का मकान दे दिया। उन्होंने बुला लिया अपने जी, आप यहाँ रिसर्च करिए, आराम से रहिए, काफ़ी प्रॉपर्टी वगैरह उनसे लिंक करा दी, खेत वगैरह दे दिए उनको, जमीन लेकर के उन पंडित जी को वहाँ पर रखा गया। तो उसके बाद उन्होंने फिर एक वो निकालते हैं पंचांग भी निकालना स्टार्ट कर दिया था, काफ़ी फेमस है उस पंचांग में, काफ़ी वो वर्ल्ड की कहते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है ना, जो संसार की जो आपस में वो होती है इवेंट वगैरह, उनके बारे में काफ़ी प्रोडक्शन करते थे अपने उसमें पंचांग में। तो उन्होंने पंचांग स्टार्ट किया था वहाँ पर निकालना, बाद में वो काफ़ी वहाँ पर हो गए मिश्र, वहाँ से हिमाचल से ज़्यादा दूर नहीं जाते थे, फिर दिल्ली में आते थे, दिल्ली में तो आते जाते रहते थे, और उधर भी उज्जैन भी जाते थे। लेकिन उसके बाद में काफ़ी उन्होंने रिसर्च किया, काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया। अच्छा अब वो नहीं है इस समय, डेथ हो गई उनकी, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो सेम पंचांग निकाल रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं ना उसी इवेंट को। नाउ कम टू द पॉइंट, तो ये हॉरोस्कोप जो बनाया इंडिया का, इसमें जैसे मैंने बताया जो इंडिया का हॉरोस्कोप है, देखिए राहु लग्न, अब उस समय वो पंडित तो मुझे ऐसा लग रहा है पारसर को ही फॉलो करते थे, क्योंकि पारसर के हिसाब से राहु टॉरस राशि में इसमें उच्च का होता है, केतु यहाँ उच्च का है ना, राहु केतु एक्सिस अगर टॉरस और स्कॉर्पियो में होता है, वृश्चिक राशि में होता है, वृश्चिक राशि 8वीं नंबर, इसमें केतु उच्च का होता है, क्योंकि मंगल इसका स्वामी वो है फ्रेंड है केतु, और राहु इसे वीनस का फ्रेंड है, वीनस की राशि में उच्च का है, ऐसा उन्होंने माना, ठीक है। यहाँ पर भी जैमिनी जो मरकरी की राशि, उसमें भी उच्च का राहु हो सकता है, क्योंकि मरकरी भी फ्रेंड होता है राहु को, इसलिए कह सकते हैं। और यहाँ जुपिटर भी फ्रेंड होता है केतु को, इसलिए यानी इसको हालांकि मूल त्रिकोण स्थान मान लेते हैं पारस्य के हिसाब से, और हम इसको उच्च का भी मान लेते हैं। तो एक दो व्यूज है, एक इसको इस राशि को उच्च का मानते हैं केतु के लिए, दूसरा ये केतु यहाँ वृश्चिक राशि उच्च का होता है ये बात मानते हैं पारस्य ऋषि जो होते हैं वो। तो पारस्य ऋषि के हिसाब से ये जो उच्च का राशि है उसमें राहु बैठा हुआ है, केतु उच्च की राशि में बैठा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, मंगल सेकेंड हाउस में है, मंगल जो कि इसका 7th का लॉर्ड है, और एरीज 12th का लॉर्ड है, 7th लॉर्ड 12th लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा हुआ है ये, और वो भी मरकरी की राशि में है ना, मिथुन राशि में, मरकरी में। और ये जो 5 प्लैनेट बैठे हुए हैं कंजक्शन, जब कभी वीनस और मून के साथ में, बहुत सारे और भी प्लैनेट होते हैं लेकिन वीनस मून की कंजक्शन जो होता है वो स्टेटस को बढ़ा देता है, ठीक है ना। पोजिशन और स्टेटस ऑफ एनी कंट्री और एनी नेटिव इज इंक्रीज्ड, काफ़ी स्टेटस बढ़ जाता है, मीन्स उसकी पोजिशन बढ़ जाती है, तो कंट्री की पोजिशन बढ़ना मतलब स्टेटस बढ़ जाता है, वर्ल्ड में नाम होता है काफ़ी। ऐसे इन्होंने हॉरोस्कोप को बनाया और ये मुहूर्त निकाल के उन्होंने बताया कि इस जो 5 पोजिशन है इन 5 प्लैनेट के साथ में एक साथ बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये मून की राशि है, कैंसर साइन कर्क राशि, उसमें मून अपनी राशि में बैठा हुआ है, साथ में सन भी है, मरकरी है, सैटर्न शनि है, और वीनस भी है, लग्न करोड़ वीनस भी यहाँ बैठा हुआ है। जब कोई वीनस और मून का, क्योंकि मून का कोई एनिमी नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं प्लैनेट, कुछ फ्रेंड होते हैं, जैसे वीनस का न्यूट्रल है या है ना न्यूट्रल भी है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता मून की राशि में। जब कोई मून की राशि में ये वीनस आएगा, जैमिनी में आएगा, टॉरस में आएगा, सिंह राशि में भी 4th लॉर्ड है, 4th में सन है, साथ में इसमें भी आएगा पॉजिटिव, स्कॉर्पियो में पॉजिटिव है ना, देन और ये जो कैप्रिकॉन है जो कि शनि की राशि है, तो शनि यहाँ पर योग कार्य, शनि
शनि नाइन्थ का लॉर्ड, टेंथ का लॉर्ड भी है, एक नाइन्थ टेंथ केंद्र का लॉर्ड और त्रिकोण राशि का लॉर्ड, नाइन्थ राशि त्रिकोण राशि का लॉर्ड, त्रिकोण हाउस कहलाता है, त्रिकोण हाउस का और केंद्र का जो लॉर्ड होता है उसको योग कारक प्लेनेट होते हैं। इस राशि के लिए शनि योग कारक प्लेनेट है, जब कोई भी शनि का पीरियड आएगा उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा इस राशि के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें जो पोजिशन है, इस समय पोजिशन, ये प्लेनेट की पोजिशन उस समय थी 14 जून को, ट्रांजिट में जो बता रहा हूँ आज का जो ट्रांजिट है गोचर, वो यहाँ पर हमने बताया हुआ है क्या पोजिशन होगी, कंडीशंस क्या होगी मैं अभी डिस्कस करूँगा। लेकिन वो इंडिया का जो है इंडिपेंडेंट का, इंडिपेंडेंस डे का हॉरोस्कोप, आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया का जो हॉरोस्कोप है ये काफ़ी इफेक्टिव है, इसके हिसाब से हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं फ्यूचर के लिए, इंडिया का फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा और कैसी घटना घटती है, ठीक है। नाउ कम द पॉइंट, ये जो मैंने टाइम पीरियड लिखा हुआ महादशा पीरियड, सबसे पहले क्योंकि ये शनि का पुष्य नक्षत्र है, उस समय पुष्य नक्षत्र था, पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि होता है, शनि का पीरियड 19 ईयर्स के लिए होता है, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट पाद में था, फर्स्ट क्वार्टर में मैं लिखा हुआ पुष्य नक्षत्र, फर्स्ट क्वार्टर पाद, फर्स्ट क्वार्टर में ये उसमें मून था, मून यहाँ बैठा हुआ है अपनी राशि में, मून यहाँ पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ है, मून की जो नक्षत्र होता है उसी के हिसाब से नक्षत्र अवधि हॉर्स को मानते हैं, ठीक है। लगन का, लगन का वो नहीं निकालते नक्षत्र, बट मून जहाँ बैठा होता है, मून की राशि को इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ये माइंड को रिप्रेजेंट करता है, माइंड के हिसाब से लोग मोस्टली एक्टिव होते हैं, है ना। और जब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उससे हिसाब से ज़्यादा प्रोडक्शन अच्छे नहीं आते हैं, कोई प्रोडक्शन तो हो नहीं पाता, जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 100% प्रोडक्शन जाता है, मून को हम बेस मानते हैं। इसलिए मून जहाँ बैठा होता है जिस राशि में, उस राशि में कौन सा नक्षत्र है उस नक्षत्र को ही अपना नक्षत्र मानते हैं, ठीक है। ये नक्षत्र यहाँ पर क्या पुष्य नक्षत्र था, मून पुष्य नक्षत्र में, उसका स्वामी शनि है और फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर की वजह से 18 साल के आसपास पीरियड मिला, कैलकुलेट हमने किया तो 18 साल आती हैं, तो फ्रॉम 15 अगस्त 1947 से लेके कब तक 19 जून 1965 तक 18 साल हो गई, 15 में से 7 8 बची, इसलिए 18 साल होती हैं, तो 18 साल लगभग शनि की मिल गई महादशा में, उससे 65 तक शनि की दशा चली महादशा, उसके बाद मरकरी की महादशा चली 16-17 साल के लिए, 1765 से लेके 82 तक 65 12 -5 करें तो 7 होता है, 17 ईयर्स के लिए मरकरी दशा होती है, 82 तक मिली, उसके बाद केतु 7 साल के लिए 89 तक हुआ, 82 से 89 तक 7 साल के लिए, बाद वीनस 20 साल के लिए, सबसे ज़्यादा वीनस का पीरियड होता है महादशा का 20 साल का होता है, 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स मिली, 20 ईयर्स आप ऐड करोगे 2009 में तो 2015 तक आता है, 2015 नो सॉरी, ये केतु 89 तक था, उसके बाद वीनस टिल 2009, क्योंकि 89 में अगर 20 ऐड कर दोगे तो 2009 तक वीनस का पीरियड चला 20 साल के लिए, अब लिखा वीनस टिल दिस 2009 तक, 2009 के बाद में सन की 6 साल होती हैं 6 ईयर्स, सन की 6 ईयर ऐड करोगे 9 में तो 15 हो जाता है, तो 2015 तक सन का पीरियड चला, सन यहाँ पर फोर्थ लॉर्ड है, हालांकि एनिमी है लगन का, तो स्टार्टिंग में ज़्यादा अच्छा पीरियड नहीं रहा इसका, क्योंकि स्टार्टिंग से ही सन और मंगल अपना रजत देना शुरू कर देते हैं अपनी डिग्रीज का, जबकि शनि एंड में देता है अच्छा रिजल्ट और जुपिटर और वीनस मिडिल में देते हैं, ठीक है, जबकि सन और मार्स हमेशा स्टार्टिंग से देना शुरू कर देते हैं, और जबकि मून और मरकरी वो दोनों ही थ्रू आउट देते हैं, वो जैसा प्लैनेट आता है उसके हिसाब से अपना रिजल्ट ज़्यादा देते हैं, मरकरी उसी दूसरे प्लैनेट के साथ जहाँ बैठा होता है उस प्लैनेट का क्या कंडीशन है उसके हिसाब से अपना रिजल्ट चेंज कर देता है, ठीक है। तो नाउ कम टू द पॉइंट, इसका मतलब ये हमारा पीरियड था महादशा पीरियड में लिखा हुआ है, कब तक है, देखिए वीनस की 20 साल 2009 से 2009 तक थी, 89 से मिलकर टिल तक 19-6-2009 तक थी वीनस की दशा, उसके बाद सन की 6 साल 15 तक हो गई 2015 तक, अब चल रहा है मून का पीरियड, मून का पीरियड होता है 10 साल के लिए महादशा, महादशा मून की इस समय चंद्रमा की दशा चल रही है इंडिया की हॉरोस्कोप में, टिल 19-6-2025 तक चलेगी, और अच्छा पीरियड है क्योंकि मून अपनी राशि में बैठा हुआ है थर्ड हाउस में, और इस राशि लग्न के लिए, लग्न लॉर्ड के लिए ये एनिमी नहीं होता, ठीक है, न्यूट्रल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से रिजल्ट देगा, उसका रिजल्ट में वो नहीं करेगा, मीन्स तो एनिमी करनी है इसलिए कोई अफेक्ट नहीं करेगा, रॉन्ग नजर नहीं देगा, इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट है। इसमें मून की दशा देखिए, तो सन की जो एंडिंग टाइम था, सन एंडिंग टाइम अच्छा रिजल्ट देगा, वो क्या था,
2015 में, 2014 में जैसे गवर्नमेंट चेंज होगी तो जितने स्कैम्स हुए थे 2009 के बाद में, 2009 टू लेके 2015 से सन का पीरियड चला स्टार्टिंग में 6 साल के लिए, क्योंकि सन एनिमी होता है इस लग्न लॉर्ड के लिए, वीनस का एनिमी होता है सन पांचवी राशि का लॉर्ड होता है सिंह राशि का, और लग्न के लिए वीनस के लिए वो एनिमी होता है, जुपिटर के लिए फ्रेंड होता है, लेकिन एनिमी, इसलिए एनिमी का रिजल्ट दिए स्टार्टिंग में अच्छा रिजल्ट नहीं दिया सन का, सन 6 साल के लिए, लेकिन एंड में रिजल्ट अच्छा क्यों दिया, क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, फोर्थ हाउस लॉर्ड केंद्र है, इसलिए केंद्र में केंद्र लग्न का जो स्टार्टिंग था वो बाद में रिजल्ट अच्छा देगा, क्योंकि उसको जो भी प्रॉब्लम्स आई थी उसको रिमूव लास्ट में करने के लिए गवर्नमेंट का चेंज हुआ, और नेक्स्ट में आपने देखा कि जितने भी स्कैम्स वगैरह थे उसको रिफॉर्म किया गया, रिमूव किया गया, उसके बाद में 2015 तक गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा पोजीशन हो गई स्टार्टिंग में, क्योंकि योगा वगैरह को काफ़ी हो गया, मीन्स इंटरनेशनलाइज किया, और उसके बाद में अच्छे इंप्रूवमेंट हुए, लोगों को काफ़ी फैसिलिटीज वगैरह मिली, तो स्कैम्स वगैरह रिमूव हो गए, तो स्कैम की जो सन की जो पीरियड था वो अच्छा नहीं गया स्टार्टिंग में, लेकिन एंड में जाके अच्छा रहेगा, क्योंकि फोर्थ का लॉर्ड था, इसलिए अब आते मून, क्योंकि ये थर्ड का लॉर्ड भी है, अपनी स्वामी के साथ में काफ़ी और प्लैनेट बैठी हो, तो इसके पीरियड में स्टेट से बढ़ जाएगा, मैंने जब मून के साथ में वीनस बैठा हुआ वो लग्न का लॉर्ड जैसे है तो वो उसका स्टेटस बढ़ा देता है, जैसे ही इसका पीरियड आया मून का, जबरदस्त स्टेटस इंडिया का बढ़ गया है ना, कंट्री का स्टेटस बढ़ गया जबरदस्त, क्योंकि वर्ल्ड में काफ़ी नाम हुआ, फिफ्थ इकोनॉमी बढ़ गई, फिफ्थ इकोनॉमी इंडिया की हो गई, पहले तो 11th पोजिशन पर थी, काफ़ी पीछे थी, और काफ़ी जो रॉन्ग प्रैक्टिस थी, कितना वो नंबर था बिजनेस डीलिंग्स वगैरह में, वो काफ़ी नंबर पीछे आ गया, मीन्स आगे आगे स्टार्टिंग हो गई, इस तरह से काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ, तो स्टेटस बढ़ा इंडिया का मून के पीरियड में, 2015 तक 25 तक चलेगा, 2015 के बाद में 2025 तक चलेगा, 10 साल के लिए होता है, इसमें काफ़ी स्टेटस बढ़ेगा इंडिया का, क्योंकि मून का पीरियड हमेशा मून के साथ जब वीनस बैठा हुआ हो और भी प्लैनेट बैठे हो तो हमेशा स्टेटस बढ़ा जाता है, उस नेटिव का स्टेटस बढ़ जाएगा, अगर आपके हाउस को मून के साथ वीनस बैठा हुआ है तो जेमिनी सूत्र के हिसाब से अकॉर्डिंग टू ग्रेट एस्ट्रोलॉजर दिस कंडीशन व्हेन हैपेंस देन स्टेटस ऑफ द पर्सन इंक्रीज और इज असेंडेड, द पर्सन इज सो मच आई मीन गेट स्टेटस और फेम और इज पॉपुलरिटी इंक्रीज, तो इसलिए इंडिया की पॉपुलरिटी 2025 तक जबरदस्त बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टेटस बढ़ेगा इस मून के पीरियड के अंदर, क्योंकि मून इज विद वीनस, वीनस वो भी लग्न का लॉर्ड वैसे है, यहाँ तो लग्न का लॉर्ड, अदरवाइज वैसे भी किसी हॉरोस्कोप में लग्न का लॉर्ड भी नहीं हो वीनस, अगर वीनस बैठा हो शनि के साथ में तो उस नेटिव का स्टेटस बढ़ जाता है, ओके वेलकम टू द पॉइंट, इस तरह इस पीरियड में अच्छा स्टेटस बढ़ेगा। फिर आता है मंगल का पीरियड मास, जो कि 7th का लॉर्ड भी है, हालांकि 7th तो कहते हैं ये वो है मृत्युकारक राशि, वो होता है हाउस 2nd लॉर्ड ये और 7th वो नहीं होता, लेकिन 12th लॉर्ड भी है, 12th लॉर्ड की वजह से ये फॉरेन ट्रैवल वगैरह, क्योंकि अब आजकल तो फॉरेन टेक्नोलॉजी, ये फॉरेन जो 12th हाउस होता है वो फॉरेन ट्रैवलिंग, फॉरेन टूर, फॉरेन ट्रेड एक्सेट्रा, इसको डिनोट करता है, और मंगल जो कि यहाँ बैठने की जाए कहाँ बैठा हुआ है, मंगल 2nd हाउस में अच्छा है, पॉजिटिव है ना, यहाँ से भी हालांकि ये 6th की पोजिशन है, लेकिन ये वाली पोजिशन इसका लॉर्ड इसमें आया 3rd हाउस में गया हुआ है अपने से, और ठीक है ना, मार्च यहाँ से 7th को देखता है, 8th को देखता है, इस राशि को देखता है, ठीक है, और 7th हाउस इसको देखता है, 8th हाउस को जिसमें सजिटेरियस है, गुरु की राशि है, प्रॉब्लम नहीं है, तो जो जितने भी हिडन सीक्रेट्स वगैरह हैं वो भी आ जाते हैं, क्योंकि तो यहाँ से डिगिंग वगैरह करके जितना भी प्रॉपर्टी वगैरह ये इंक्लूड होती हैं, और रिसर्च वो डिस्कवरी वगैरह ये सब हो सकते हैं इसके इसमें, क्योंकि मंगल इस राशि को देखता है, गुरु की राशि है, सजिटेरियस फ्रेंडली साइन, इसलिए पॉजिटिव। अच्छा कम से कम से मून की राशि यहाँ से आएगी 2032 तक, ये मंगल का साइन रहेगा, मंगल का पीरियड 7 साल के लिए होता है, तो 2025 से लेकर 2032 तक ये मंगल का पीरियड रहा, ठीक है, इस पीरियड में आप देखेंगे काफ़ी डेवलपमेंट आएगा, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ये सब आएगा। राहु, उसके बाद राहु आता है 18 साल के लिए, 18 ईयर्स के लिए, तो 32 प्लस 18 50 तक राहु का पीरियड चलेगा 18 साल के लिए, ठीक है, उसके बाद फिर जुपिटर आता है, जुपिटर का पीरियड 16 साल के लिए होता है, 16 ईयर्स के लिए, 16 ईयर्स तक यानी 2066 तक जुपिटर रहेगा, जुपिटर के बाद में फिर अंदर प्लैनेट मरकरी है, यानी गुरु के बाद में सॉरी शटन आएगा, शटन आएगा 19 साल के लिए, फिर 19 साल के लिए शटन आएगा, जो कि स्टार्टिंग में शटन था वो, तो ये जो 120 साल का जो पीरियड होता है वो रिपीट होता रहता है जैसे जैसे एज, इसके इसमें इसके कहते हैं बिम्बशोत्री दशा, बिम इज 20, बिम्बशोत्री, श्रोत्री मीन्स 100, 120,
विमशोत्री दशा शुरू होती है। विमशोत्री दशा का जो पीरियड है 120 साल के बाद फिर वो रेपिटेशन होता है उन्हीं प्लैनेट्स का सेम, शनि के बाद ये शनि आ गए, गुरु शनि, फिर बुध, बुध का आएगा, मरकरी आएगा, मरकरी के बाद फिर केतु आएगा, के वी एस, फिर वीनस आएगा, फिर सन आ गया, सेम 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 पोजिशन। ये सेकंड के बाद मरकरी, फिर केतु, फिर वीनस, फिर सन, फिर मून, फिर मार्स, फिर राहु, फिर जुपिटर, फिर जुपिटर के बाद फिर शनि, सेकंड फिर मरकरी, ऐसी तरह सेम रिपीट रेपिटेशन। ये पीरियड इस तरह से निकालते हैं, इनको निकालने के लिए लॉन्गिट्यूड वगैरह सब ऐड करते जाते हैं, उसका डिफरेंट टेक्निक से बताएंगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे तब, ठीक है। बेसिस बताएंगे जो व्हाट इज द लेक्चर सीरीज में देंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की लेक्चर सीरीज, उसमें बेसिस बताएंगे किस तरह से हॉरोस्कोप निकालते हैं, असेंडेंट वगैरह कैसे निकालते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वगैरह कैसे चेंज करते हैं टाइम के हिसाब से, जब डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ वगैरह होता है, टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से आप चेंज हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ कैसे होती है उसमें, तो क्या उस डेट के दिन आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देख सकते हैं किसी प्लैनेट के पंचांग में या उसमें एफीमेरिस में, इंग्लिश में एफीमेरिस निकलती है, उसमें आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूड सभी प्लैनेट्स का, लेकिन टाइम के हिसाब से जहाँ डेट ऑफ बर्थ आपका चेंज हो गया वहाँ तो सुबह 5:30 का टाइम दिया होता है, 5:30 पर क्या लॉन्गिट्यूड है उस पर्टिकुलर प्लेस में, हालांकि वो उस प्लेस आपका प्लेस कहीं और है, उस प्लेस के हिसाब से लॉन्गिट्यूड के हिसाब से आपका टाइम पीरियड वो चेंज हो जाता लॉन्गिट्यूड प्लैनेट्स का, किस तरह किस डिग्री पर आपका वो है असेंडेंट लग्न और लग्न लॉर्ड कहाँ पर है क्या है, वो सब निकालने का तरीका होता है, बताएंगे किस तरह हॉरोस्कोप बनाते हैं ट्रेडिशनल मेथड से, जो पुराने मेथड से हमारे ईस्ट काल वगैरह सब निकाल करके, ठीक है, जो पंडित लोग निकालते हैं पंचांग की हेल्प से, और एफीमेरिस जो मॉडर्न तरीका है उसके हिसाब से कैसे निकालते हैं, किसी वर्ल्ड का कहीं पर भी, कहीं का भी, किसी कंट्री का भी, जहाँ भी बर्थ हुआ है आपका उसका निकाल सकते हैं चेंज करके उनका डिग्री वगैरह वो बताएंगे। ओके नाकम कौन, ये हुआ इंडिया का हॉरोस्कोप। अब इसमें चार चार धनी लोग हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे धनी होगा इसके अंदर, चार धनी योग, पैसा ज़्यादा हो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी इंडिया की, अनडाउटली स्ट्रगल है लेकिन स्ट्रगल के बाद प्रॉस्पेरिटी होगी। चार धनी योग, एक वशुमान योग है, वशुमान योग क्या होता है, केंद्र से लगन से, सॉरी लगन से, लगन से अगर शुभ प्लैनेट जो बेनिफिक प्लैनेट होते हैं जिसमें मून, मरकरी, बुध, चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु, यानी क्या क्या, मून, जुपिटर, वीनस एंड मरकरी, ये चारों जो प्लैनेट होते हैं शुभ प्लैनेट कहलाते हैं। ये शुभ प्लैनेट अगर उपचय हाउस में बैठे हुए हों लगन से या चंद्रमा से बैठे हुए, चंद्रमा तो फिर वो ही है, एक बेनिफिट प्लैनेट हटा दिया, बाकी जो तीन प्लैनेट है वो भी मून से भी अगर बैठे उपचय हाउसेज में, उपचय हाउसेज क्या होते हैं, 3, 6, 10, 11, 3, 6, 10, 11, ये जो हाउस होते हैं, तब देखें लगन से तीसरे घर में, लगन यहाँ पे टॉरस है, उससे 1, 2, 3 तीसरे घर में कौन बैठा हुआ है, मरकरी बैठा हुआ है, ये मरकरी है बुध शुभ प्लैनेट है, वीनस भी बैठा हुआ है, वीनस भी शुभ प्लैनेट कहलाता है ना, शुभ इसके कहते हैं बेनिफिक प्लैनेट, बेनिफिक प्लैनेट शुभ ग्रह ये बैठा हुआ है, चंद्रमा भी बैठा हुआ है शुभ ग्रह, ये तीनों भी तीनों शुभ प्लैनेट यहाँ बैठे हैं तीसरे घर में, छठवें घर में गुरु कहाँ, भी छठवें घर जुपिटर यहाँ पर है, मैं लिखा नहीं सॉरी, ये यहाँ पर जुपिटर है, ठीक है, तो जुपिटर बैठा सन से, क्योंकि अभी सन आपका यहाँ पर था अब, तो अभी चौथा घर है, नो प्रॉब्लम, तो जुपिटर यहाँ पर है, सिक्स्थ हाउस में जुपिटर है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 4, 5, 9, ठीक है ना, हो सही है, यहाँ जुपिटर सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो 3, 6 में सब प्लैनेट आ गए इलेवन से, 3, 6, 10 ये 10th हाउस और 11th हाउस यहाँ भी बैठे होते तो भी ये हो सकता था, सपोज करो यहाँ एक प्लैनेट, ये प्लैनेट तीन है, एक यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा, दो यहाँ बैठे हो, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, तो 3, 6, 10, 11 हाउसेज कहलाते हैं उपचय हाउसेज, इन उपचय हाउसेज में लगन से अगर शुभ प्लैनेट बैठे हो तो वशुमान योग बनता है। वशुमान योग क्या कहता है भाई, वशुमान योग कहता है कि इतना ज़्यादा वेल्थ होती है लोगों के पास में कि इतनी वेल्थ घर बैठ करके आप एंजॉय करिए, बाकी आपके रिसोर्सेज जितने भी हैं उनसे आपके पास प्रॉपर्टी और पैसा आता रहता है, ठीक है, कहते हैं घर बैठे आप भी इतना अच्छा पैसा कमा लेते हैं लाइफ लॉन्ग कि उससे आपके पास प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाती है, डोमेस्टिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, आपके पास इतना माल होता है इकट्ठा कि आप बैठे हुए आपको आगे फर्दर काम नहीं करना पड़ रहा, इस टाइप की प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, तो वशुमान योग बहुत अच्छा योग है इसके अंदर। चार धन योग है केंद्रों के, जैसे टेंथ लॉर्ड, ये इलेवन टेंथ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड टेंथ लॉर्ड, एक ये शनि है यहाँ पर वो भी धन योग बना रहा है, एक तो दूसरा है फिफ्थ लॉर्ड ये मरकरी और ये सन एक साथ बैठे ये दूसरा धन योग ये हो गया, देन ये जो वो है आई मीन सेकंड नाइन्थ लॉर्ड, इलेवंथ लॉर्ड, नाइन्थ, सेकंड लॉर्ड है ना, फिफ्थ लॉर्ड,
ये दोनों क्योंकि मरकरी है साथ में बैठा हुआ है लग्न के इसके साथ में केंद्र के साथ में फोर्थ रोड के साथ में, तो धन योग बन रहा है। ऐसे ही टेंथ रोड नाइन्थ रोड योग के एक साथ में, और टेंथ रोड ये जो शनि है यहाँ शनि भी बैठा हुआ है ना सैटर्न, तो वो सैटर्न जो बैठा हुआ है वो सेकंड लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है मरकरी के साथ में, या सेकंड लॉर्ड हो नाइन्थ लॉर्ड हो और टेंथ लॉर्ड ये साथ बैठे हुए, यहाँ भी धन योग बन रहा है। इस तरह से चार धन योग बनते हैं और एक वसुमान योग होता है। इसलिए इंडिया का हॉरोस्कोप जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, स्ट्रांग है, उसके अंदर कुछ वीकनेस है आई नो दैट, एंड उन वीकनेसेस को लेकिन स्ट्रगल के साथ साथ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ये दिया हुआ, प्रॉस्पेरिटी इज देयर राइट। इसलिए प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से ये हॉरोस्कोप अच्छा है, इसलिए मैंने ये बनाया। ठीक है, रात को रात का टाइम था, मिड नाइट कहते हैं इंडिया वेक्स एट मिड नाइट, तो वो पोजिशन थी। ठीक है, इसलिए हॉरोस्कोप के हिसाब से इंडिया का इंडिपेंडेंस मिली थी, अदरवाइज वो दिन में ले सकते थे, कभी ले सकते, रात को क्यों लिया भाई। ये इसका रीजन था कि इंडिया की हॉरोस्कोप बनाई गई, मुहूर्त निकाला गया, मुहूर्त पंडित जी ने निकाला, उनका नाम था हरदेव शास्त्री शर्मा त्रिवेदी, और ये उज्जैन महाकाल मंदिर में ज्योतिषी थे, वहाँ के पंडित जी थे, प्रीस्ट थे, उन प्रीस्ट ने ये निकाला। उसके बाद उनको काफ़ी इज्जत बढ़ गई और सैलून में वहाँ के महाराजा ने उनको वहाँ पर पैलेस दिया, वहाँ रहते थे। ठीक है, मकान अच्छा दिया, पैलेस दिया, पैलेस टाइप का मकान था, वहाँ रहते बंगला टाइप का, उसमें रहते थे बाद में। तो ये हमने देखा इंडिया का, इंडिया का हॉरोस्कोप डिस्कस किया। अब आते हैं हम थर्ड एग्जिट ऑफ पेंडेमिक, एग्जिट ऑफ पेंडेमिक, ये जो वो है आई मीन पेंडेमिक एग्जिट ऑफ कोविड 19, तो वो कब हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। अब जब देखें इस समय प्रेजेंट में ये कंडीशन है, मैंने देखा सभी प्लैंड है कि नहीं, मैं पूरा काउंट कर लूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है, 9 प्लैनेट इस समय प्रेजेंट में आज 28 तारीख को 28 अगस्त को ये वाली पोजीशन है प्लैनेट्स की, सभी ग्रह इस तरह बैठे हुए, इसे कहते हैं ट्रांजिट ऑफ गोचर। आज का जो गोचर है, आज का जो मोशन है प्लैनेट्स का, हिंदी में गोचर बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रांजिट बोलते हैं, ट्रांजिट टुडे, ट्रांजिट टुडे ऑफ द प्लैनेट्स, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स टुडे। तो क्या है भाई, ये है क्या है, राहु वीनस जेमिनी बैठे हुए आज भी, सेम राहु अभी भी उसी पोजिशन में, राहु यहाँ से कम मूव करेगा नेक्स्ट मंथ 24 सितंबर को, 24 सितंबर को राहु सेकंड राशि में आ जाएगा, इस टॉरस में आएगा, टॉरस में उच्च का होता है अकॉर्डिंग टू पारस ऋषि, तो यहाँ भी बहुत शुभ होता है और हम जेमिनी में उच्च का मानते हैं। ठीक है, एक एक जो मत है ऋषियों का वो कहता है जेमिनी जेमिनी राशि उच्च की राशि है राहु के लिए, यहाँ टॉरस ने उच्च की मानी, जैसे पंडित जी ने उच्च की राशि पारस ऋषि को ज़्यादा फॉलो करते थे, इसका मतलब वो टॉरस राशि को उच्च का मानते थे क्योंकि यहाँ राहु यहाँ पॉजिटिव था उस केस में, इसलिए उन्होंने उसको निकाला। और फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई उस समय राहु राहु थे उसमें वो टॉरस नहीं, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते पोजिशन को, उन्होंने हॉरोस्कोप का जो चेंज वो है पोजिशन ऑफ द प्लैनेट्स वो चेंज करके लग्न में कौन सी राशि लेना चाहिए, कवि राशि शुभ आ रही, क्योंकि ये फिक्स राशि है, दो नंबर फिक्स राशि होती है, मूवेबल साइन फिक्स साइंस और डुअल साइंस, द्विस्वभाव राशियाँ और चर राशियाँ और ये अचर राशि कहलाती है, अचर मतलब फिक्स राशि, फिक्स राशि होती है तो ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, वो नेटिव की पोजिशन काफ़ी अच्छी है, स्ट्रांग पोजिशन में आ जाती है वो, है ना, वो नेटिव, इसलिए ये स्ट्रांग पोजिशन मानी गई पंडित जी ने। ठीक है, लेकिन ट्रांजिट आज का जो ट्रांजिट है प्लैनेट का वो इस समय ये है, सन चल रहा है अपनी लियो राशि में, फोर्थ हाउस में मरकरी भी है, साथ में बुध आदित्य योग है आज के दिन में, लेकिन ये जो पोजिशन है देखिए राहु और वीनस एक साथ बैठे हुए दोनों फ्रेंडली हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ जुपिटर और केतु साथ में बैठे हुए ये भी दोनों फ्रेंडली हैं, लेकिन जुपिटर और वीनस एनिमी कल है, आप एक दूसरे को एनिमी कल दृष्टि से देखते हैं, दृष्टि इनकी अपोजिट है, मतलब एनिमी कल है, इसलिए अभी भी कंडीशन खराब है। और वीनस सिक्स्थ का लॉर्ड भी होता है, सिक्स्थ लॉर्ड, यहाँ सिक्स्थ लॉर्ड है इसके, इसमें तुला राशि का स्वामी होता है वीनस शुक्र, इसलिए शुक्र सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, लग्न का लॉर्ड भी है, यहाँ पर भी है, तो वीनस का यहाँ होने से क्या क्या फर्क पड़ेगा, एक तो डिजीजेज अभी भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि सिक्स्थ का लॉर्ड है, सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ राशि जो होती है और सॉरी सिक्स्थ हाउस जो होता है जिसमें राशि तुला राशि है, इसका स्वामी वीनस है, शुक्र है, लेकिन शुक्र यहाँ होते हुए भी लग्न का लॉर्ड होते हुए सेकंड राशि में इसका ज़्यादा मतलब स्ट्रगल तो है ही, पैसे की ठीक है इम्प्रूवमेंट हुई, लेकिन उसके साथ साथ डिजीज का भी वो है स्वामी, तो डिजीज की राशि जो तुला राशि यहाँ सिक्स्थ हाउस डिजीज एनिमीज इनको रिप्रेजेंट करता है मोस्टली, तो डिजीज और एनिमीज इनके साथ में स्ट्रगल रहेगा, एनिमीज के साथ में जैसे पाकिस्तान के साथ में इस पीरियड में काफ़ी स्ट्रगल रहा, अभी भी एनिमी कल है, वो काफ़ी टेरिस पर आते हैं हो जाते हैं, तो एनिमीज को भी यहाँ पे थोड़ा सा वो है प्रॉब्लम एनिमी के साथ में, मतलब एनिमी का
डर रहेगा जो भी है उनके साथ में स्ट्रगल रहेगा, और साथ में डिजीज के साथ भी स्ट्रगल रहेगा। डिजीज अभी भी जो कोविड 19 है उसकी इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये 6 करोड़ यहाँ वीनस बैठा हुआ है सेकेंड हाउस में, इसी राहु केतु एक्सिस में। राहु केतु एक्सिस में वीनस को जुपिटर देख रहा है एनिमिकल दृष्टि से, दोनों एनिमीज होते हैं। जैसे ही वीनस यहाँ आ जाएगा कैंसर साइन में, वो कब आ रहा है, वीनस विल मूव टू कैंसर साइन ऑन 31st of August, इसी महीने में 31st August को। आज 28 हो गई, 28, 29, 30, 31, इसको 31 को यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। उसके बाद में राहु केतु एक्सिस इंडिपेंडेंट जुपिटर के साथ रहेंगे,